अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान। मैं अपनी प्यारी प्यारी माता बहनों का, अपने प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी प्यारी माता बहनों, ये जो विधि मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इस विधि की सबसे ख़ास बात यह है, इस विधि में ना तो किसी मंत्र की आवश्यकता पड़ती है और ना ही किसी तंत्र की। इस विधि में तंत्र मंत्र की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा जिन दो लोगों के नाम आपस में मिलाकर चाकू से बांध दिए और उस चाकू को कुएं में डाल दिया, उन दोनों के दिल के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार पैदा हो जाएगा। वो एक दूसरे के वश में हो जाएंगे, वो एक दूसरे की बात मानेंगे और एक दूसरे के कहने पर चलेंगे। वो इस विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक वशीकरण के लिए एक खास विधि है। इससे पहले हमारी वीडियो थी मुर्गे के पंजे से वशीकरण कैसे किया जाता है। उस वशीकरण का बहुत हजारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों का उसमें कमेंट आती हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है उससे। उन्हीं कमेंट्स में से कुछ लोगों ने मुझसे गुजारिश की है कि कुछ ऐसा सरल और आसान उपाय बताइए जिससे कि हम एक बार में किसी को वश में कर सकें। तो आपकी कमेंट्स के खातिर, आपकी जो पूछ रहे हो उसको बताने के लिए मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ एक आसान और सरल उपाय, जिसको करके आप केवल एक ही बार में किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये बहुत आसान और सरल है। देखिए इसको करते कैसे हैं। विधि को करने के लिए किस किस सामान की आवश्यकता आपको पड़ेगी? दो आपको पेपर लेने हैं, एक कोई भी पेन या पेंसिल या कुछ भी हो वो आपको लेना है, एक सफ़ेद कलर का धागा लेना है आपको और एक चाकू लेना है। इन सामान से आप इस आसान और सरल विधि को सिर्फ एक बार में कर सकते हैं और इसका रेस्पॉन्स भी आप केवल एक बार में ही प्राप्त कर सकते हैं। इतनी लाभकारी वीडियो है। इस वीडियो से आपके सामने में आपकी गुजारिश से एक बहुत ही सरल और आसान उपाय मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देखिए इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, दो पेपर लेने हैं जो कि आप देख सकते हैं, सिर्फ चार उंगल का ये पेपर और इतना बड़ा लेना है जितना आप नाप सकते हैं इसमें। ये एक स्केच की बराबर का ही पेपर है, इतना बड़ा आपको पेपर लेना है। इतना बड़ा पेपर आपको ले करके उसका, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, मान लो महेश है, महेश मंजू को अपने वश में करना चाहता है, तो सबसे पहले आपको 786 लिखना है। 786 लिख के तीन बार उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, मंजू मंजू मंजू। इसको लिख करके आपको स्वास्तिक का निशान बनाने हैं नीचे तीन, ध्यान रखना जिसको वश में करना चाहते हो उसके नीचे ही ये स्वास्तिक के निशान बनने चाहिए, इसलिए मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो वश में करना चाहते हैं उसका नाम ऊपर 786 लिख के महेश, तीन बार महेश 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 लिख करके इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, जिसको वश में करना चाहते हैं उसके नीचे ही ये स्वास्तिक के निशान तीन आएंगे और तीन बार ही मंजू आपको लिखना है, ऊपर 786 लिखना है। इतना करके आपको इन पेपर को आप देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से, देखो ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, ये पेपर एक दूसरे से मिल जाएंगे और इन पेपर को मिला करके जो नाम है एक दूसरे से चिपक जाएगा। जितना एक दूसरे से चिपकेगा, जितना एक दूसरे के ये पास आएगा, उतने इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा होगा, उतने ही अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, आपके वश में हो जाएगा, ये जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो उसको वश में हो कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। इतना करके आपको जितना आप इसको दबा के बांध करके इसको फोल्ड करके जितना करोगे उतना अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करना है और ये जो आप देख रहे हो ये चाकू है, चाकू पर ये नोक पर इसके सफ़ेद धागे से इसको अच्छी तरीके से बांधना है, कोने पर नोक पर बांधना है, ध्यान रखना। देखिए मैं आपको बांध कर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसको बांध दिया है, इसको आपको इस तरीके से इसके नोक पर बांधना है और इसको बांध करके आप कुआ हो, आपने देखा होगा कुआ होता है, जितना गहरे कुएं में इसको आप डालोगे उतनी ही उसके दिलों के अंदर जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो उनको,
उस दिल के अंदर उतनी ही गहरी मोहब्बत आपके लिए पैदा होगी। जितने गहरे कुएं में इसको डालोगे उतनी ही गहरी मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी। और हम लाइव वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको इसको देख के और आप आसानी से कर सको और आपकी कुछ गलती ना हो, ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सको। हमारी अल्लाह से दुआ है कि आप जो करना चाहते हो अच्छे के लिए करोगे, वो आपके लिए सफलता दिलाए आपको। और इससे जुड़ी जानकारी आप हमारे नंबर से जो स्क्रीन पर दिया हुआ है इससे निशुल्क आप कभी भी, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, कभी भी प्राप्त कर सकते हो। इससे जुड़ी जानकारी कुछ भी इससे जुड़ी जानकारी आपको इसको करने में कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, हर तरीके से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे, क्योंकि हम ये सब आपके लिए ही लाते हैं। आप हमें सपोर्ट करिए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को आप इस विधि को सच्चे मन से करें, जैसे कि सच्चे मन से मांगी हुई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसी तरीके से सच्चे मन से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप अच्छे से सच्चे मन से इसको काम करो, हमारी दुआ है आपके जीवन में ये सफलता प्राप्त होगी और ये आपके जीवन में सफलता लेकर आएगा। तो मेरी प्यारी माता बहनों, अगर इस वीडियो में लाइक और व्यूज अच्छे रहे तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा वशीकरण को तोड़ने का तरीका। वशीकरण को अगर किसी ने वशीकरण कर दिया है तो उसकी काट कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ गलती हो जाए माफ़ कर दें।